आप लोग हमारे ईस्ट हमारे आराध्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बायकॉट गैंग आकर के क्यों नहीं बायकॉट कर रहा है कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। बिका हुआ मीडिया, बिकी हुई चमचियाँ, बिके हुए चमचे, मैं आजकल उन्हें चमचे क्या, मैं तो उन्हें करछी भी ना बोलूं, इतना स्तर उनका गिर गया है। तो आज मणिपुर जल रहा है और तुम 21 तोपों की सलामी लेने गए हो कि भक्त बनो तो ईश्वर के बनो, भक्त बनो तो अपने माँ बाप के बनो, बाकी किसी इंसान के आप भक्त ना बनो। तो पहले वो आई थी ना अंधभक्तों की बुआ, उसको सुरक्षा मिली जेड प्लस, इसको जहर फैलाने पर सुरक्षा मिल रही है। आज तो तेरे सनातन के लोग, तेरे ही लोग तेरी खिलाफत कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही चर्चित चेहरा है, इनको लगातार किसान आंदोलन से आप लोगों ने देखा किस तरह से मुखर होके बोलती हैं, बेबाकी से बोलती हैं। और आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से भारत में अब पिक्चरें बन रही हैं, जो फिल्में बन रही हैं, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। तो लगातार कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और अब आ गई है आदि पुरुष। मैम क्या कहेंगी आदि पुरुष, जिस प्रकार से तमाम चीज़ें हो रही हैं आदि पुरुष को लेकर, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, हमारे ये फिल्म जो है वो किस चीज़ के लिए है? फिल्म जगत होता है एंटरटेन करने के लिए, लोगों के दिमाग में अच्छी विचारधारा बढ़ने के लिए। ये टपोरी भाषा के लिए नहीं होती फिल्म की दुनिया जो होती है। अब एंटरटेनमेंट करने के लिए, आजकल के नौजवानों को प्रभावित करने के लिए, आप लोग हमारे ईस्ट हमारे आराध्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा, आप अपने लिए ये सब कर सकते हैं। आप हमारे वो ईस्ट, उनसे सिर्फ मनोज मुंतशिर ही नहीं जुड़ा है, उनसे आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, और इस देश की 80 करोड़ 90 करोड़ की आबादी जुड़ी हुई है हमारे आराध्य ईस्ट से। अब आपने पैसा कमाने का जो जरिया ये खोजा है, ये जनता को समझ आ गया, तभी तुम्हारा विरोध हो रहा है। लेकिन अभी बायकॉट गैंग हमें नहीं दिख रहा है। बायकॉट गैंग आकर के क्यों नहीं बायकॉट कर रहा है कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हमें तकलीफ हो रही है, अब वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस पिक्चर को लिखा है, डायलॉग लिखे हैं, वो सरकार में बैठे कुछ नेताओं का चमचा है, फ़र्क इतना ही है ना। 2014 के बाद से ही आप ऐसी फिल्में देख पाएंगी, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, और अब जो है आदि पुरुष आई है। तो कैसे देखती हैं कि समाज को किस तरह से ये बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, दो कश्मीरी फाइल्स आप जिसके बारे में मुझे बता रही हैं, उस समय भाजपा की सरकार थी, गठबंधन की, वहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बता दूं कि द कश्मीरी फाइल्स जो थी, तुम्हारे ज़माने में ये सब प्रताड़ित हुए थे पंडित, जिनको उठा उठा करके पंडित पंडित चिल्ला चिल्ला करके तुमने वोट लिया। ये समझना होगा, पंडितों को भी ये समझना होगा, सभी धर्म के लोगों को ये समझना होगा, सभी समाज के लोगों को, तुम्हारे ज़माने में ये सब कुछ हुआ। एक अग्निहोत्री था, उसकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी, उसने समाज में एक जहर घोला, द कश्मीरी फाइल्स, और उसकी वो पिक्चर चल गई और उसने पैसा कमा लिया। तो ये पैसा कमाने के लिए आपस में आप लोगों में मनमुटाव करते हैं, ये जनता को, सभी को, देश की समझना होगा। 23 जून को बड़ी बैठक हो रही है विपक्ष की, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, विपक्ष में तो जो है बैठक होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी भी है। इस देश के एक तानाशाह व्यक्ति को हटाना है, एक देश तानाशाह सरकार आ गई, लोकतंत्र भी खतरे में है, उसको भी हटाना है। तो सभी को एकजुट होकर के ही सब कुछ ये हो पाएगा। और दूसरी बात, हमारे देश का एक राज्य मणिपुर है, वो जल रहा है, जूझ रहा है, लोग वहाँ इतने पीड़ित हैं, और हमारे देश के प्रधान सेवक 8 करोड़ के हवाई जहाज में बैठ करके गायब हो गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, अमेरिका चले गए 21 तोपों की सलामी लेने के लिए। लेकिन उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष की जो बैठक हो रही है वो बहुत ज़रूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया बॉस कह रही है, और योग महोत्सव मनाने गए हैं, देश की तमाम बातें नीतियाँ वहाँ पर रखने के लिए गए हैं। हमारे यहाँ लाशों पे गिद्ध मुस्कुराते हैं, सनातन धर्म में ये कहावत है। तो आज मणिपुर जल रहा है और तुम 21 तोपों की सलामी लेने गए हो। मिनिस्ट्री मीडिया ने मणिपुर का कितना आंकड़ा दिखाया, मिनिस्ट्री मीडिया ने कितना बताया मणिपुर के कितने लोग प्रभावित हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ छोड़ चुके हैं परिवार मणिपुर को, ये दिखाया मिनिस्ट्री मीडिया? नहीं ना, वो भी दिखाइए, ज़रूरी है। कब तक दिखाएगी? क्या लग रहा है कि मीडिया क्या किसी के प्रेशर में, दबाव में काम कर रही है? सब पूरे देश को पता है, बिका हुआ मीडिया, बिकी हुई चमचियाँ, बिके हुए चमचे, मैं आजकल उन्हें चमचे क्या, मैं तो उन्हें करछी भी ना बोलूं, इतना स्तर उनका गिर गया है। लेकिन ऐसा नहीं, इस देश में लोकतंत्र है, आप इतना अपने आप को जितना गिराओगे उतना हम लोग देश की आवाज़ उठाएंगे।
तो क्या लगता है कि आगे 2024 का इलेक्शन करीब है, एक साल से कम समय रह गया बदला, है बदला, तो बदला, कैसे बदलाव होगा? अभी तो जनता 5 किलो राशन पे खुश है। देखिए आज जनता मूर्ख नहीं है, वो 5 किलो राशन उन्हीं का है, उनको समझ आ गया। इस बीच में हमारे स्टेट में कुछ चुनाव भी हुए हैं, चाहे वो हिमाचल का लगा लीजिए, चाहे वो कर्नाटक का लगा लीजिए, चाहे वो उपचुनाव लगा लीजिए, तो उसमें जो है जनता ने अपने आप को बदला है, अपने वोट का सही इस्तेमाल किया है और सत्ता परिवर्तन किया है। आप क्या कहेंगी तमाम युवाओं को जो है भक्त बने पड़े हैं, उनको क्या कहेंगी आप? बस मैं यही बोलूँगी कि भक्त बनो तो ईश्वर के बनो, भक्त बनो तो अपने माँ बाप के बनो, बाकी किसी इंसान के आप भक्त ना बनो। अपने माँ बाप से बड़ी कोई सेवा नहीं, उनकी भक्ति से जो आनंद उनकी भक्ति में, वो किसी में नहीं। मनोज मुंतशिर ने सुरक्षा भी मांग ली सरकार से और सुरक्षा उन्हें मुहैया भी कराई गई। अब इसको सुरक्षा दो, पहले वो आई थी ना अंधभक्तों की बुआ, उसको सुरक्षा मिली जेड प्लस, इसको जहर फैलाने पर सुरक्षा मिल रही है। ये देखो ना आप देश का स्तर जो सरकार कहाँ गिरा रही है कि अब तुम जहर फैलाओ और फिर तुम सुरक्षा लो। ये देखो आप, ये इनका मानसिक स्तर देखो, इन्होंने कहाँ गिरा दिया कि आप पहले जहर फैलाओ फिर लोगों की भावनाएं आहत करो फिर आप ये कहो हम मरे जा रहे गिर रहे। तुझे किससे चिंता है भाई? तुझे जो है मुस्लिमों से दिक्कत थी तो तू ये बवाल करता था, बयान देता था, मान ली तेरी बात, चल हो सकता है तुझे दिक्कत। आज तो तेरे सनातन के लोग, तेरे ही लोग तेरी खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या तुझे अपने ही लोगों से दिक्कत हो गई? क्या तुझे हिंदुओं से तकलीफ हो गई? एडिटिंग भी कर दिया गया, उस डायलॉग में परिवर्तन भी किया गया, तो आप कैसे देखती हैं? आप तो बदलाव हो गया। देखिए ये बदलाव, ये डर है उनका जनता के प्रति जो जनता ने उनको दिया है। ठीक, ये बदलाव नहीं, उनकी मानसिकता तो वही है ना, पैसे कमाओ, जनता में लड़ाई कराओ, झगड़े कराओ, यही है ना उनकी मानसिकता। तो ठीक, तो हमारे साथ पूनम पंडित थी। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।